चंपावत के ग्रामीण क्षेत्र में चलते ट्रक में नाबालिग से हुए बलात्कार के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रेस वार्ता में एसपी अजय गणपति ने बताया कि 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और तीसरे आरोपी योगेश धवाल को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है, उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। बता दें मामले के 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। वही इस घटना को लेकर क्षेत्र में लोगों में काफी गुस्सा है। उसमें पूछताछ के बाद लड़की के साथ पूछताछ के बाद 180 के बयानों में धारा 70, 74 और पॉक्सो एक्ट की धाराएं जुड़ी हुई, उसके साथ दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद में इसमें 3 मेन अभियुक्त हैं जिनका नाम है संजय भट्ट, रविंद्र उर्फ रविश भट्ट और योगेश धवाल। इसमें से संजय भट्ट और रविंद्र भट्ट, ये संजय भट्ट अमोड़ी का है, रविंद्र भट्ट और योगेश धवाल ये कोट अमोड़ी के हैं। संजय भट्ट और रविंद्र भट्ट को कल गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आज योगेश धवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।